गाइज, मैं आज एक गर्ल्स टॉक से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जो मोस्टली टीनेजर्स को नहीं पता है। उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ और कुछ ऐसे DIY हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। वजाइना, वजाइना क्या है? वजाइना, वजाइना आप जितना सुनते हो ना, मैंने गूगल, यूट्यूब वगैरह जहां पे भी देखा, सब वजाइना वजाइना वजाइना। एग्जैक्टली में वजाइना वजाइना नहीं है, वजाइना वजाइना नहीं है, वजाइना वजाइना को वजाइना नहीं कहते हैं। एग्जैक्टली वजाइना को वजाइना नहीं कहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी स्टाइल्स। मैं हूं शिवांगी और आज आप लोगों को बताने वाली हूं कुछ वजाइना से रिलेटेड DIY हैक्स जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगी। जो आप आज तक गलतियां करते आ रहे थे, टीनेजर हैं जो गलतियां कर रही थी आज तक, वो गलतियां आज के बाद शायद आप नहीं करोगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले मैं बता देती हूँ कि क्या वजाइना को वजाइना ही बोला जाता है, वजाइना को वजाइना नहीं बोला जाता है। आप जिसको वजाइना समझती हैं, जिसको आप वजाइना बोलती हैं, वो वजाइना नहीं होती है, उसे वॉल्वा बोला जाता है। मैं इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि इसमें जो वजाइना होती है, वजाइना इज अ पाथवे, ठीक है, जो ब्लड होता है वो वहां से जाता है, ठीक है, वहां से पास आउट होता है। जो वॉल्वा है वो आपका बाहर का एरिया है जिसे आप टच कर सकती हैं, जिसे आप देख सकती हैं, जिसे आप महसूस कर सकती हैं, लेकिन आप वजाइना को अंदर से टच कर सकती हैं, वो आपका इनर एरिया होता है, ना कि वो बाहर का आपका वजाइना। वजाइना अंदर का एरिया होता है और जो वॉल्वा होता है जो आप देख सकती हैं, अपनी टच कर सकती हैं, वो वॉल्वा होता है। या जो ऊपर से आप ऊपर से मैं आपको बहुत खुल के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो ऊपर की लेयर जो होती है, जो लिप्स टाइप से होते हैं, उनको आउटर लिप्स बोला जाता है या वॉल्वा बोला जाता है। वजाइना अंदर का एरिया होता है, ना कि ये बाहर का एरिया होता है। वजाइना वजाइना मैं भी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यूट्यूब गूगल पे इसी यही सारी चीजें ज्यादातर बोली जाती हैं और उसी टाइप से आपको वो चीज समझ में भी आती है, तो इसलिए मैं इस चीज को बोल रही हूँ कि वजाइना 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 क्या है और उसको वजाइना सच में यही बोला जाता है या क्या बोला जाता है। तो वो चीज मैंने आपको आज क्लियर कर दी इस पिक के थ्रू कि वजाइना आपका अंदर का एरिया होता है जिससे आपका ब्लड पास होता है, वो एक पाथिंग वे होता है जहां से आपका ब्लड पास होता है, ठीक है। दूसरी चीज, बाहर के एरिया को जो आउटर लिप्स होते हैं उन्हें उन्हें वॉल्वा बोला जाता है, आउटर लिप्स बोला जाता है, उसे वजाइना नहीं बोला जाता है। अब मैं बात करती हूँ हाउ टू क्लीन वजाइना। आप वजाइना को जिस टाइप से क्लीन करती हैं, क्या वो तरीका सही है वजाइना को क्लीन करने का? क्या आपको कोई इन्फेक्शन, कोई रैशेज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं है? बहुत गलत करती हो। अगर आप सोप अपनी वजाइना पे यूज करती हो, वजाइना के अंदर, वजाइना की बात कर रही हो जो अंदर का एरिया होता है, फर्स्ट थिंग हम वजाइना को अंदर से तो क्लीन कर ही नहीं सकते हैं। और पहले मैं आपको बताती हूँ वजाइना को कैसे क्लीन करना है, वे होता है। पहली बात तो हम उसे क्लीन ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर का एरिया है। जो अंदर का एरिया है वो अपने आप को खुद क्लीन करता रहता है। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि वजाइना को क्लीन करने के लिए आपको ना किसी सोप की जरूरत है, ना किसी इंटीमेट वॉश वगैरह की जरूरत है, कोई भी हाइजीन इंटीमेट वॉश वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वजाइना को आप ना तो पानी से क्लीन कर सकते हो, ना किसी सोप से क्लीन कर सकते हो, ना किसी इंटीमेट वॉश से क्लीन कर सकते हो, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते हो वहां पे, ठीक है। अगर आप करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको आगे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो आप आउटर लिप्स जो वॉल्वा है, पहले वजाइना हो गया, उसके बाद की जो बाहरी जो बाहर का एरिया है, जो आपका वॉल्वा है, वॉल्वा को कैसे क्लीन करना है। वॉल्वा को नॉर्मल आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आप अपने वॉल्वा को क्लीन कर लीजिए। हल्के गुनगुने पानी से आप अपने वॉल्वा को क्लीन कर सकते हो।
मैं समझ सकती हूँ कि डेली आप गुनगुने पानी से अपना वॉल्वा क्लीन नहीं कर सकते हो, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है उससे भी आराम से आप अपना वॉल्वा क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको वहां पे भी कोई भी सोप यूज नहीं करना है। मैं अंदर की बात कर रही हूँ, लाइक जो आउटर लिप्स हैं, आउटर लिप्स पे की बात मैं अभी बाद में करूंगी। जो आपका अंदर का पोर्शन है, जो वजाइना से बाहर है, और जो आपके छोटे छोटे लिप्स होते हैं ना उस एरिया पे, जो लिप्स होते हैं इस टाइप की बात कर रही हूँ, तो वहां पे आपको अपना सोप यूज नहीं करना है, कोई भी ऐसा वॉश यूज, हाइजीन वॉश वगैरह यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आपका कोई भी गायनी रिकमेंडेड करती है, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, तो आप यूज कर सकती हो, लेकिन उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप ये अपने वजाइनल वॉश वगैरह यूज करें। अदरवाइज कोई भी आपको वजाइनल वॉश, सोप, कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है खाली पानी के अलावा। अब मैं बात करती हूँ उसके ऊपर के एरिया की, लाइक आउटर लिप्स की, जो आउटर लिप्स होते हैं, जो आपको देख सकते हैं, जहां पे आपके हेयर ग्रोथ होती है, आपको वो कैसे क्लीन करना है। आप नॉर्मली किसी भी माइल्ड सोप से, मैं सिर्फ ऊपर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी आप ध्यान देना कि मैं ऊपर की बात कर रही हूँ, ना कि अंदर के पोर्शन की। कोई भी आप माइल्ड सोप ले सकते हो, डव ले सकते हो, डव से आप अपने उस पार्ट को नॉर्मल क्लीन कर सकते हो। लाइक एक हाथ में आपने अपना साबुन से झाग कर लिए, एक मग है, देन ऊपर से लाइक इस टाइप से क्लीन कर, ऊपर से क्लीन करना है, और देन वॉश आउट कर देना है उसको। आपको बहुत देर तक वहां पे वो बॉडी वॉश वगैरह या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है जो आपकी वजाइनल में प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो वहां पे क्रिएट हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड में बात करूंगी कि आपको अपनी वजाइनल एरिया को कैसे ड्राई करना है। देखो, मैं तो वजाइना कभी भी ना ड्राई नहीं हो सकती है, ड्राई का अगर वो ड्राई होगी तो फ्रिक्शन होगा, रैशेज हो जाएंगे, फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा आपके लिए। ड्राई करने का मैं बात कर रही हूँ ऊपर वॉल्वा की, कि आपको वहां पे अपनी जो वजाइना है, आपका वॉल्वा है, आपके आउटर लिप्स हैं, उनको आपको वेट नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। आपको वेट नहीं छोड़ना है, वेट छोड़ोगे तो वहां फ्रिक्शन क्रिएट होगा, रैशेज हो जाएंगे आपकी थाइज में, जो इनर थाइज हैं आपकी, वहां पे रैशेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, चलने में इचिंग होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप उस पार्ट को क्लीन करने के लिए एक अलग टॉवल बना सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो, कि जो आगे का पार्ट है लाइक उस पे एक ना मार्क कर लो कि मुझे इस पार्ट से आगे का क्लीन करना है, और बैक साइड वाला, मतलब बैक जो उसका टॉवल का बैक साइड होगा, उससे बैक साइड वाला क्लीन करना है आपको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी अलग से टॉवल वगैरह यूज करते हो, या फिर आप एक ही टॉवल यूज करते हो, मैं एक दूसरी टॉवल की भी बता देती हूँ, कि अगर आप एक ही टॉवल यूज करते हो तो उस टॉवल की ना पार्टीशन कीजिए या मार्क कर लीजिए उस पर्टिकुलर जगह को, कि जहां से आप अपनी वजाइना ड्राई आउट करते हो, वहां से उसे वाइप आउट करते हो। आपको अपनी वजाइना को कैसे वाइप आउट करना है, आपको वजाइना को ना सीधे वाइप आउट करना है, ना कि ऐसे उल्टी साइड से, लाइक ऊपर की साइड से ऐसे वाइप आउट नहीं करना है, ऊपर की साइड से ऐसे इस टाइप से करोगे ना, लाइक अंदर की साइड से जब करोगे तो ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। आपको ऊपर की साइड से, लाइक ऊपर से ही नीचे। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी वजाइना को ड्राई करो, तो आगे का पोर्शन, लाइक आगे का जो वजाइना का पोर्शन है उसको अलग टॉवल से वाइप करो, और जो पीछे का पोर्शन है, लाइक पू वाला जो पोर्शन है, पीछे बट साइड का जो पोर्शन है, उसका दूसरा पोर्शन रखो। एक पोर्शन है, मैं आपको इससे दिखाती हूँ, आपका जैसे ये वाला पोर्शन है आपका, ये ऊपर की साइड के लिए है, ऊपर से आप पोंछ सकते हो इधर से, और जो इधर से है, लाइक इसका जो पीछे का है, इसके पीछे वाले पोर्शन से, दूसरे अपोजिट वाले पोर्शन से ही आपको अपना पीछे का एरिया क्लीन करना है, ना कि उसी एरिया, क्योंकि आगे के जो कीटाणु होते हैं वो अलग होते हैं, और पीछे के कीटाणु, पीछे के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अलग होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पीरियड टाइम में कैसे अपनी वजाइना को क्लीन कर सकते हो। देखो, वजाइना में उस टाइम, पीरियड टाइम में एक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइक नॉर्मली मैं उस टाइम के लिए आपको बोलूंगी कि उस टाइम के लिए आप अपनी पैंटीज अलग रखा करें, अपनी टॉवल्स वगैरह जो भी है वो सारी चीजें अलग रखा करें, क्योंकि उससे ना एक हाइजीन मेंटेन होगा। आप जो डेली वेयर में यूज कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन उस टाइम ना एक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसके लिए आप स्पेशली एक टॉवल अलग रखें, जिससे वो आप आराम से उसे वाइप आउट कर सके। मैंने आपको बताया
कि कैसे आप पेट ड्राई कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, आप नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको उबाल करके, पानी में उबाल करके और उसका पानी लेके आप उसे आराम से वॉश कर सकते हो, या आप नॉर्मल डेज में भी कर सकते हो। बहुत सेफ है, बहुत सेफ है गर्ल्स। आप लोग थैंक यू बोलोगे इस चीज के लिए मेरे को कि मैंने क्या बताया, आप ये चीज बताई है आपको। लेकिन ये आप अपने पीरियड टाइम में भी कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है। एटलीस्ट आप इसे पूरे दिन में एक बार करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा होगा तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हाउ टू रिमूव हेयर फ्रॉम प्राइवेट पार्ट। आई डोंट नो प्राइवेट पार्ट पे ग्रोथ इतनी क्यों होती है, नॉर्मल बालों की ग्रोथ नॉर्मल है ठीक है, लेकिन वहां की ग्रोथ क्यों होती है। देखो एक चीज मैं बोलूंगी कि अगर भगवान ने हमें कुछ भी दिया है, कुछ भी किसी भी अंग पे कुछ भी दिया है, कोई भी अंग दिया है ना, तो बहुत सोच समझ के दिया ही है। और उसके ऊपर ऐसा कुछ लाइक ग्रोथ, अभी मैं अगर बात करती हूँ नोज में हमारे बाल हैं ठीक है, लेकिन उसका भी एक रीजन है कि जिससे धूल मिट्टी प्रदूषण वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारी नाक में एकदम से ना जाएं, जो हमारी अंदर की चीजें हैं, अंदर के लीवर, अंदर की सारी चीजों को खराब ना करें ठीक है। तो उसी टाइप से भगवान ने अगर वहां पे अभी आपके हेयर दिए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही, कुछ ना कुछ रीजन से ही दिया होगा। हर चीज रीजनेबल होती है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता है। वहां पे अगर आपके हेयर है तो आप उन्हें रिमूव कैसे कर सकते हो, देखो कई सारी मैं आपको मेथड तो बता दूंगी, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, मेथड बता देती हूँ। मेथड में आप वैक्स करा सकते हो, कोई भी जो हेयर रिमूवल क्रीम आती है वो यूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी ट्रिमर यूज कर सकते हो, रेजर यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको लाइक इस टाइप से ये मेथड है जो आप जिन्हें यूज करके आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो मैं बताती हूँ आपको, मैं एज ए रैंकिंग दे देती हूँ, क्योंकि वैक्स कराना उस लाइक उस पार्ट पे और इस टाइप से तो आई विल नेवर प्रेफर दिस, मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगी इस चीज को। और हेयर रिमूवल क्रीम्स भी आती हैं लाइक जो लेग्स और हैंड्स वगैरह पे जो हम यूज करते हैं वो आपको उस जगह पे बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। और उस जगह पे यूज करने के लिए अलग से हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं जो स्पेसिफिक उसी ही पार्ट के लिए बनी हुई होती हैं, आप वो वाली क्रीम्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अपने वॉल्वा पे आउटर लिप्स पे यूज कर रहे हो, जहां पे आपके हेयर हैं वहां यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी अंदर लाइक लग गया ना तो बहुत जलन क्रिएट करेगा, बहुत जलन क्रिएट कर देगा, आपको बहुत इरिटेशन होगी और मतलब क्या फील होगा वो आप ही समझ सकते हो कि क्या उस टाइम फील होगा ठीक है। तो वो है ट्रिमिंग, आप नॉर्मल किसी भी पैनी थोड़ी कैंची से अपना ट्रिम कर सकते हो, और ट्रिम भी आपको लाइक इतना एरिया छोड़ के ही करना है, क्योंकि आपको पूरा क्लीन नहीं करना है। क्लीन करोगे तो वहां क्या है रैशेज हो जाएंगे आपको, अगर आप किसी भी ट्रिमर से या फिर किसी रेजर से वहां पे आप क्लीन करते हो वहां रैशेज हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे। तो इसलिए आप नॉर्मली ट्रिम कर सकते हो किसी भी सीजर वगैरह से, लेकिन ये चीज बहुत लाइक बहुत सावधानी से करने वाली चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करूंगी कि आप उसे वॉशरूम में जाके करो या नॉर्मल वैसे करो, मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करती। आप किसी भी लाइक रूम वगैरह में लेके, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो रूम में कर सकते हो, और लाइक किसी न्यूज़पेपर को लेके, किसी कपड़े को लेके उसके ऊपर कर सकते हो। तो मैं इतना ओपनली आपको से इसलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि अगर आप मैं हेजिटेट करूंगी तो शायद आप लोगों को ये नॉलेज नहीं मिल पाएगी। नॉलेज मिलेगी तो इतना खुल के इतना डीपली कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताएगा। सो लाइक जो टीनेजर गर्ल्स है उन लोगों को इतनी अच्छे से अवेयरनेस, इतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मे बी ये वाली वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको एक एक जो चीजें हैं वो बहुत डिटेल में बता रही हूँ। शायद मेरे साथ अभी इसमें भी कुछ चीजें रह गई हैं जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हो। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको दूसरी वीडियोज में और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आती रहूंगी। इन्फॉर्मेटिव जो गर्ल्स टॉक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैं लेके आती रहूंगी। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
बाय बाय।